हेलो गाइज, इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे दो चीज़ के लिए, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हैं, अगर ये कैलकुलेशन आपको समझ में अगर आ जाता है तो आपको दोस्तों ऐसे पूरा इन्वेस्टमेंट का थ्योरी समझ में आ जाएगा कि हमें कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है और कहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ज़्यादा सोचने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा, आपके मन में कोई क्वेश्चन ही नहीं उठेगा कि हम ऐसे इन्वेस्टमेंट करने में किसी से सलाह ले या नहीं ले। सिर्फ आपको ऐसे कुछ ही ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप ऐसे किसी से डिस्कस कर पाएंगे कि हम कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। तो चलिए हम बातें करेंगे बोर्ड पे। उससे पहले हम समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने का फंडा क्या है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिसके पास में नॉलेज नहीं होता है कि इन्वेस्टमेंट में सेविंग और ऐसे इन्वेस्टमेंट दोनों में क्या डिफरेंस है, कि अगर कोरिलेट करते हैं तो कितने परसेंट का डिफरेंस होता है और क्या हमारे लिए ऐसे बेनिफिट है और नहीं है। अगर हम देखते हैं तो इन्वेस्टमेंट और सेविंग में दोनों में बहुत बड़ा ही डिफरेंस ऐसे देखा जाता है और आपको ऐसे कहीं ना कहीं ऐसे नुकसान और प्रॉफिट दोनों में होता है। चलिए हम बातें करते हैं कहाँ पे हमें नुकसान है, कहाँ पे प्रॉफिट है और क्यों हमें नुकसान होता है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर ऐसे सेविंग करते हैं। तो गाइस आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे मैं सेविंग का बता रहा हूँ, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का बता रहा हूँ, दोनों को मैं सेपरेट अलग अलग करके मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ ताकि इसे आपको इसे अच्छी तरह से समझ में आए। अगर हम 1000 रुपये पर मंथ सेव करते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं 1000 रुपये पर मंथ, दोनों में इसे डिफरेंस यहाँ पे पता चलेगा। इंटरेस्ट रेट यहाँ पे सेविंग में आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कोई भी आपको 6% ऐसे इंटरेस्ट रेट देता है, कोई बैंक ऐसे 7% देता है, और एज के ऊपर डिपेंड करता है कि ऐसे सीनियर सिटीजन के लिए क्या है और ऐसे हम लोग के लिए यंग एज के लिए ऐसे क्या है इंटरेस्ट रेट। सपोज दैट हम एक्स वाई जेड बैंक में हम अपने 1000 रुपया मंथली रेकरिंग डिपॉजिट या फिर किसी तरह का ऐसे सेविंग कर रहे हैं, ठीक है। अगर सेविंग कर रहे हैं तो उस पर तो हमें कम ही इंटरेस्ट मिलता है, बट अगर हम रेकरिंग डिपॉजिट करते हैं तो हम 20 साल के लिए अगर करते हैं 1000 रुपया 6% के हिसाब से अगर इंटरेस्ट मिलता है हमें, तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों 240000 रुपये का हमारा टोटल जो है इन्वेस्टमेंट होता है हमारा सेविंग में। जिस तरह से हम सेविंग की बातें करते हैं कि सेविंग में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा सेविंग में इस तरह से 240000 रुपये का हमारा इन्वेस्टमेंट होता है। और जो हमारा मैच्योरिटी वैल्यू होता है यहाँ पे वो देख रहे हैं आप, मैच्योरिटी वैल्यू हमारा 464351 रुपये का हमारा तैयार हो जाता है 20 साल में। अगर हम देख रहे हैं तो 463000 का हमारा मैच्योरिटी वैल्यू तैयार हो जा रहा है। यहाँ पे एक चीज़ और देखना है, मैं यहाँ पे लिख कर रखा हूँ इन्फ्लेशन रेट 6%। तो इन्फ्लेशन रेट क्या इफेक्ट पड़ता है? इन्फ्लेशन रेट सपोज़ दैट आप ऐसे 1 लाख रुपया या 1000 रुपया जिस तरह से मैं बताया हूँ मंथली आप ऐसे सेविंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे होता क्या है ना कि 1000 रुपया पे आपको सालाना 6% का तो ब्याज मिलता है, ये सही है, और आपको ऐसे सालाना 6% का इन्फ्लेशन भी ऐसे मिलता है। तो यहाँ पे डिफरेंस इतना ही है इसमें कि 6% तो आपका पैसा ऐसे बढ़ रहा है, जैसे सपोज दैट ऐसे आपका ऐसे 12000 से हो गया एक साल में, 12000 पे आपको 6% का ब्याज मिल जाएगा, बट आपका वैल्यू है उस पैसे का 6% ऐसे कम हो जाएगा, ये भी देखना है। तो अगर हम यहाँ पे बेनिफिट की बातें करते हैं तो टोटल बेनिफिट हमारा 224000 होता है, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट ही यहाँ पे सेविंग में हो जाता है दोस्तों 240000 रुपया, और 224000 हम यहाँ पे सेव कर पाते हैं दोस्तों ऐसे 20 साल में। काफ़ी बड़ा समय है, काफ़ी बड़ा समय, अगर 1000 रुपया मंथली हम सेव करते हैं तो इतना ही पैसा हमारा सेव होता है। क्या हमारे ओल्ड एज के लिए ये पैसा काफ़ी है या नहीं है? चलिए हम दूसरा साइड देखते हैं इन्वेस्टमेंट में क्या हमें फ़र्क पड़ता है दोनों के डिफरेंस में। यहाँ पर देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट, अगर हम 1000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं SIP के थ्रू तो आपको दोस्तों 18% का ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। अगर 18% के हिसाब से 1000 रुपये का हम कैलकुलेशन करते हैं 20 सालों के लिए, यहाँ पे देख रहे हैं कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो सेम हमारा जितना यहाँ पे 240000 रुपये का इन्वेस्टमेंट हुआ था यहीं पे, यहाँ पे भी हमारा 240000 रुपये का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। मैच्योरिटी वैल्यू हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारा 464351 रुपये का हुआ है, बट यहाँ पे हमारा मैच्योरिटी वैल्यू 2345487 रुपये का हो रहा है। दोनों के बीच में आप डिफरेंस को देख रहे हैं, कितना बड़ा डिफरेंस है दोस्तों। अगर आप समझेंगे यहाँ पे तो आपको ऐसे, अगर आप ये समझ लिए हैं तो आप समझो कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग में ऐसे डिफरेंस को समझ लिए हैं, फिर आप ऐसे कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपको कोई भी ऐसे तकलीफ नहीं होगा, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप कहीं और सलाह भी दे सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट करना है या फिर ऐसे सेविंग करना है। देखिए एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, अगर आप यहाँ पर बता रहे हैं कि आपने बताया कि इन्फ्लेशन सपोज़ दैट ऐसे हमने ऐसे यहाँ पे 240000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया, हमें 464000 का फंड तैयार हो गया, बट हमें जो इन्फ्लेशन 6% है वो भी तो हमारा घट जाएगा, यहाँ पे बेनिफिट तो हो रहा है 224000, बट हमारा 20 साल में 224000 का हमें ऐसे वैल्यू भी कम हो जाएगा हमारे पैसे का। तो हमारा तो ऐसे टोटली जो इन्वेस्टमेंट किए हैं 240000 में हम जो खरीद रहे हैं
अगर 20 साल के बाद अगर इन्फ्लेशन के कारण हमें इतना ही पैसे होंगे, क्योंकि ये इसमें से माइनस कर दिया जाएगा। तो अब आते हैं इन्वेस्टमेंट पे। मैंने यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट है 6% यहाँ पे भी लेकर चला है। यहाँ पे अगर इन्फ्लेशन रेट है से यहाँ पे जितना मेरा बेनिफिट हुआ है, हम यहाँ पे वो बेनिफिट को माइनस कर रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन हमारा 6% मैं कैलकुलेट किया हूँ यहाँ पे इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन 6% कम करने के बाद हमारा 224,351 रुपये अगर हम डिडक्ट करते हैं, फिर भी हमारा 21,19,136 रुपये का फंड तैयार होता है। तो डिफरेंस इतना है। देखिए यहाँ पे जैसे आपने जैसे सेविंग किया, सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों में फ़र्क ये है कि हमें 240,000 रुपया पे यहाँ पे 464,000 और यहाँ पे 240,000 पे 23,43,000 इन्फ्लेशन हम माइनस कर देते हैं, फिर ये हमारा जो अमाउंट हो रहा है ये अमाउंट हमारा दोस्तों इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। ठीक है, आप इस अमाउंट को फिर री इन्वेस्टमेंट करें या फिर आप कहीं भी यूज़ करें, आप दोनों में से किसी भी चीज़ में कर सकते हैं, बट दोनों के बीच में यही डिफरेंस होता है। तो मेरे हिसाब से आप ऐसे बहुत अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि इन्फ्लेशन के कारण जो सेविंग अकाउंट होता है उसमें से कितना बड़ा नुकसान होता है, और इन्फ्लेशन के कारण हमारा है जो म्यूचुअल फंड में है से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अगर आप बुढ़ापा के लिए फ़ंड जमा कर रहे हैं या फिर अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए जमा कर रहे हैं या किसी भी तरह के लिए आप फंड ऐसे जमा कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पर समझ में आ जाएगा अगर आप ऐसे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। अदरवाइज सेविंग का रिजल्ट आप वहाँ पे देख ही चुके हैं, जो बढ़ता है हमारा इन्फ्लेशन उसे खा जाता है और फिर वहीं पे आ जाता है जहाँ पे हम जितना हम इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। तो इसीलिए हमेशा से सोचे कि हमें सेव नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट करना है। आप इस वीडियो को कहीं और फैला सकते हैं, दोस्तों में भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नया नया नोटिफिकेशन में जो भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो आप कहीं भी अपने दोस्तों को इस शेयर भी कर सकते हैं इस वीडियो, इसमें मेरा कोई भी दोस्तों ऐसे ऑब्जेक्शन नहीं आएगा वीडियो पे। तो आप मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।